अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी वाले मील्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। सो मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स होने वाले हैं और अब तो मेरा जो ईटिंग पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से, वो भी मैं आपको ग्रेजुअली आपको बताऊँगी कि किस तरीके से चेंज हुआ है, आजकल मेरी क्या रूटीन है, पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, लेकिन राइट आफ्टर डिलीवरी मैं क्या खा रही थी साथ साथ मैं वो भी आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे जो है ना एग्स, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और वो तो लाइक अगर यू नो अगर ये वाला मसला नहीं भी है उसके अलावा भी एग्स जो है ना दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें ओमेगा 3 है, उसमें यू नो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह सुबह उठ के लाइक प्रोटीन ले लेते हो ना तो आप बहुत सेशिएटेड फील करते हो और आपको इतनी भूख नहीं लगती। सो जो एग्स है ना वो तो स्टेपल रहे हुए हैं लाइक मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी और रिकवरी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक चीज़ जो मैं पहले नहीं कर रही थी वो अब कर रही हूँ वो ये है कि मैं पहले जो है वो फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं ले रही थी क्योंकि कहते हैं कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अम्मियाँ दादियाँ जो है वो मना करती हैं ठंडी चीज़ें मत खाएं, इवन दो बहुत गर्मी पड़ी है लाइक जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ी है लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि गर्म ठंडी चीज़ कोई खा लो। सो यहाँ पे अब आके जो है वो मैंने कोई फ्रूट थोड़ा बहुत लेना शुरू किया है तो मैं एप्पल ले रही हूँ। इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रही थी, फैट्स भी ले रही थी, इसके अलावा मेरा ये वाला जो मील है ना ये मैंने लाइक नाश्ते में पूरा एक महीना मैंने रोटी और साथ में एक ऑमलेट और साथ में हल्दी वाला दूध और एक सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कीमा शीमा में ले ली थी साथ में। और यहाँ पे जो है ना वो मेरी अब ये जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरी आजकल की है, माइंड यू कि मेरा 7 महीना ख़त्म हो चुका है और अब जो है लाइक मेरा 7th वीक चल रहा है पोस्टपार्टम। सो मैं अभी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरा ज़बरदस्त जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी है, कभी मैं एक स्लाइस ले लेती हूँ, कभी मैं मुझे ज़्यादा भूख लग रही हो तो फिर मैं 2 स्लाइसेस भी ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि आजकल जब मैं फ्रूट लेती हूँ उसके साथ मुझे 2 स्लाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फ्रूट जो है ना उससे भी आपका पेट काफ़ी हो जाता है लाइक भर जाता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई फ्रूट चाय के साथ जो है वो आप कैसे ले लेती हैं। हाँ ठीक है, आई नो कि आप मे बी लाइक आपको एप्पल्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए चाय के साथ क्योंकि एप्पल्स के अंदर जो है वो आयरन होता है और चाय के अंदर जो है वो कैल्शियम होता है तो वो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रुक जाती है। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ इस वजह से मैं एक एप्पल ले लेती हूँ। अच्छा उसके बाद बारी आ जाती है मिड डे स्नैक की विच वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जो है ना वो मैं ले रही थी जो पंजीरी वाले लड्डू होते हैं, तो 2 स्मॉल साइज लड्डू जो आप देख सकते हैं ये और विद 1 कप ऑफ मिल्क, मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकवरी और इसके अंदर जो है ना टर्मरिक होती है, हल्दी वाला दूध होता है तो वो आपकी रिकवरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 7 वीक्स के बाद मेरी ये वाली रूटीन चल रही है आजकल। अच्छा जी, दिस इज़ माई मिड डे स्नैक दैट कंसिस्ट ऑफ ये पंजीरी, 2 टेबल स्पून जो है ना ये पंजीरी के हैं जो कि मेरी अम्मी जो है उन्होंने बहुत ही शौक से बनाई है। इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये बहुत मज़े की है, गुड़ है इसके अंदर राइट। यहाँ पर जो है वो मेरे पास है दूध और ये 1 कप दूध मैं लेती हूँ, 1 ग्लास 1 कप और उसके अंदर जो है वो मैं ये डाल देती हूँ। ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था इंश्योर ये 3 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड करके, यहाँ अगर दूध नहीं है तो आप पानी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ मैं लेती हूँ अपना कैल्शियम सप्लीमेंट विच इज़ ऑल्सो अगेन रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये मुझे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया था, ये मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आप सारी लाइक जो भी आपने करना है ना वो अपनी डॉक्टर के मशवरे के बाद ही करें और ये तो कोई भी ले सकता है लाइक ये जो इवन जो मील रिप्लेसमेंट के तौर पे भी लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। सो मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू एड इट। सो इसे मलाई शलाई भी जम गई है, 1 मिनट ओके 2 एंड 3। अच्छा इसमें अच्छी खासी कैलोरीज, कैलोरीज तो खैर मैं अभी बिल्कुल ही काउंट नहीं करी बिकॉज ऑब्वियसली आपने हील होना है, या तो हील हो लो या कैलोरीज काउंट कर लो। और पहले मैं ये खाती हूँ, इसको आइडियली आप थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और उसके साथ फिर ये लेके टैबलेट्स अपनी लेके और उसके बाद फिर मैं दूध पी लेती हूँ। सो यस, दिस इज़ लाइक माय मिड डे स्नैक। अच्छा दूध जो है ना दैट प्लेज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिकवरी, यानी मुझे तो इनिशियली तो लाइक मैं 3 टाइम पे दूध ले रही थी, सुबह भी दोपहर भी और शाम भी, चाय मैं बिल्कुल नहीं ले रही थी लेकिन दूध जो है ना दैट वाज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर जो है ना हल्दी भी लाजमी डाल के, आजकल तो मैं हल्दी नहीं डाल रही लेकिन ये है कि मैं इसके अंदर ये इंश्योर डाल लेती हूँ, इसका लाइक फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है और साथ पंजीरी ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, इससे आपके सारे एसेंशियल विटामिंस फैट्स कैल्शियम ये सारी चीज़ें जो है ना वो 1 गो में पूरी हो जाती हैं
हैं अगर आपकी लाइक कैलोरीज भी अगर आप कम ले रहे हो ना मील्स में वो भी इसी से पूरी हो जाती हैं, तो ये जो है ना बहुत लाइक एक फुलफिलिंग सा है। आप समझ लो कि ये मील से ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं, तो ये मैं मिड डे में लाजमी ले लेती हूँ क्योंकि इससे जो है ना वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और पंजीरी तो कहते हैं कि आपको जो है ना वो एटलीस्ट 6 महीने तक आप लाजमी लें क्योंकि उससे कमज़ोरियाँ वगैरह आपकी जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद बारी आ जाती है डिनर की। अब डिनर जो है ना उसके अंदर मतलब मैं मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उससे होता ही है कि अपनी सारी रात भी गुजारनी होती है। प्रोटीन जब आप लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती। प्रोटीन के अंदर इनिशियली लाइक जब शुरू शुरू वाला टाइम था तब मैं रेड मीट ले रही थी ऑन अ डेली बेसिस विच वॉज़ अलॉट अगेन, लेकिन ये कि अब आके मैं प्रोटीन लाजमी लेती हूँ लेकिन मैं वाइट मीट ले लेती हूँ। वाइट मीट जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और इसका इतना मसला नहीं होता। रेड मीट अब कहते हैं कि जो है वो वीक में एक मरतबा लेना चाहिए या दो मरतबा ले लें। सो ये चल रहा है। और प्रोटीन का कोई भी सोर्स ले लेती हूँ लाइक किसी भी फॉर्म में ले लेती हूँ, इवन के सैंडविचेस, लाइक अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो सैंडविचेस ले लें, अगर सैंडविचेस नहीं तो टिक्के की फॉर्म में, टिक्का नहीं तो कढ़ाई की फॉर्म में, कढ़ाई नहीं तो यू नो जिस मर्जी फॉर्म में हो लेकिन शुड बी प्रोटीन, क्योंकि आपकी जो मसल की हेल्थ है वो प्रोटीन से ही बेहतर होगी। इस वजह से प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी ऐसे होते हैं कि घर पर अगर कोई सब्ज़ी बनी हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट ही नहीं भरा, और अगर चावल बने हुए हों तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट नहीं भर रहा। तो फिर मुझे क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत लाइक एक प्रोटीन का साथ में पोषण ले लेती हूँ तो उससे मेरी जो वो हंगर है वो मिट जाती है। स्पेशल अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपको पता होगा कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये कि अगर आप प्रोटीन अपने हर मील के अंदर प्रोटीन शामिल रखते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो डिनर का एक बार फिर से बता दूं कि चिकन अब आके चिकन है, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं मीट ले रही थी या मटन या बीफ भी एक दो बार मैंने लिया बीच में, लेकिन ये कि प्राइमरीली मटन ले रही थी। लेकिन अब जो है ना वो मैं चिकन भी ले लेती हूँ और सब्ज़ियाँ भी ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि चिकन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर मेरा पेट ही नहीं भरता। कुछ ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के एकदम से बात जो है ना वो आपकी आदतें नहीं बदलती, यानी कि अगर आप जो भी प्रेगनेंसी में एंड पे खा रहे होते हो ना एकदम से आपकी क्रेविंग्स नहीं चेंज हो जाती। फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझे जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर जो मेरा था लाइक 7, 8 और 9th मंथ जो मेरा था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हुआ करती थी। और मतलब कि मैं आप समझें कि मैं अगर मीठा नहीं लेती थी तो मुझे कुछ हो रहा होता था कि यार बस मीठा खा लूँ, मीठे में कुछ भी लाइक एनी थिंग के लड्डू खा लूँ या आइसक्रीम। प्राइमरीली जो है ना मुझे आइसक्रीम चाहिए होती थी, वनीला आइसक्रीम, तो फ्रिज के अंदर ना आइसक्रीम पड़ी होती थी हर टाइम पे। प्रेगनेंसी के शुरू के जो 6 महीने थे उसमें भी मैं बिल्कुल मीठे को हाथ भी लगा सकती थी और देख भी नहीं सकती थी मीठे की तरफ। और उससे पहले भी लाइक मैं आई वॉज़ नॉट ए वेरी बिग ऑफ ए मीठा लवर, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था मैं, मतलब जैसे वो एक होता है ना स्वीट टूथ होता है बंदे का कि खाने के बाद जो है ना वो कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आई डोंट नो व्हाट हैपन बट 7वें 8वें 9वें महीने आई एट मीठा सो मच कि उसके बाद जो है ना वो इतनी मुझे क्रेविंग होती थी कि डिलीवरी के बाद भी जो है वो मेरी आदत चेंज नहीं हुई। जो शुरू के 4 वीक्स थे जो पोस्टपार्टम के, उसके अंदर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मैं खाना खाती थी और मुझे लगता था अगर मैंने मीठा ना खाया तो मुझे कुछ हो जाएगा। सो मुझे जो है ना हर मील के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ मीठा चाहिए था। फिर मैंने अपने पास खजूरें भी रखी होती थी कि चलो अभी भी जो है ना वो मेरे पास खजूरें पर लाइक साइड पे पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि अब आके थोड़ा सा पहले से फ़र्क पड़ गया है मीठे की क्रेविंग्स को, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अवॉइड करूँ। लेकिन ये है कि शुरू के 4 to 5 वीक्स जो है ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मीठे की जो क्रेविंग है ना उसको ख़त्म करने में। खैर शुरू में मैं लेती रही, मैंने बहुत ग्रेजुअली जो है ना इस आदत को अपना थोड़ा सा कम किया है मीठे की आदत को। और जिन लोगों को क्रेविंग होती है ना सिर्फ ये उन लोगों को ही पता होगा कि मैं जो ये इतनी एक्सट्रीम बात कर रही हूँ ना ये सिर्फ उन लोगों को ही पता होगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि आई एम गेटिंग समवेयर, लाइक मैं बहुत कम हो गया, मीठे की क्रेविंग बहुत कम हो गई है पहले से। हाँ कभी कभार जब होती है तो मैं एक आधी खजूर ले लेती हूँ, तो इसके अलावा जो है ना वो मेरी काफ़ी लाइक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। अच्छा ये सारे मेरे मील्स थे। और डिनर की बात जो है वो मैं अपनी आयरन की सप्लीमेंट्स लेती हूँ। ये भी मैं मेंशन नहीं करूँगी कि ये कौन सी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और ये भी आपकी जो पोस्ट नेटल्स हैं ना उसके अंदर लाइक डॉक्टर आपको प्राइमरीली यही रिकमेंड करती हैं कि आप आयरन जो है ना वो लाजमी लें, बिकॉज आयरन की कमी बहुत उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं आपको।
सो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये मैं लेती हूँ डिनर के बाद, लेकिन उसके साथ में चाय या दूध या कुछ भी ऐसी चीज़ आप नहीं ले सकते। अगर आपने आयरन लेना है तो आपने ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल आयरन के साथ कैल्शियम जो है ना उसका बहुत बड़ा जो है ना वो मसला हो जाता है, तो आपने बिल्कुल दूध या चाय जो है ना वो अवॉइड करनी है, नहीं तो जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगी बॉडी के अंदर। सो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी क्योंकि मुझे पहले भी इस चीज़ का मसला हुआ था। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं मेरी तरफ से एक टिप है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता। सो यस, ये जो है ये मैं डिनर के टाइम पे जो है ना वो ले लेती थी, उसके बाद नो दूध, नो कैल्शियम, नो दही, नथिंग। सो जी, दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको यूजफुल लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड लव यस। ओह होए, ये मेरी बहन जो है बनाना ब्रेड बना के लेके आई है, ये इतनी फ्रेश है कि ये टूटती जा रही है, ये स्लाइस है और ये बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त यम्मी।